दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप पर आप अपना पूरा प्रोफाइल पर पूरा फोटो लगाएं, नहीं व्हाट्सएप डीपी पर अपना अपना पूरा फोटो लगाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट्सएप पर मैं अपना पूरा फ़ोटो कैसे लगाता हूँ। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ सेटिंग में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ोटो यहाँ तो आप पूरा नहीं लगा सकते। क्या देखिए, मैं आपको पूरा भी दिखाऊंगा किस तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा भी गुलाब का फूल लगा हुआ है, तो मैं सिंपली कोई भी एक फ़ोटो ऐसा ले लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ अपना। ये देखिए फ्रेंड्स, या तो मैं यहाँ से इतना लगा सकता हूँ या फिर ये इतना लगा सकता हूँ, यानी कि ये चौकोर फ़ोटो ही लग सकता है। तो फिर अगर मैं इसे पूरा लगाना चाहूँ तो इस फ़ोटो को कैसे लगाऊँ? तो चलिए फ्रेंड्स, हम सिंपली इसे बैक कर देते हैं। यहाँ से जाने के बाद में आपको सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर में। ठीक है फ्रेंड्स, प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है, या फिर मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है व्हाट्सअप क्रॉप। ठीक है, व्हाट्सअप क्रॉप करने के बाद तो आपको इस तरह का एप्लीकेशन मिलेगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लेता हूँ, पहले से डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर पहले वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है और सिलेक्ट फोटो पर क्लिक करना है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में आपको वही फ़ोटो सेलेक्ट करना है जैसे मैंने आपको दिखाया। जैसे बड़ा फ़ोटो हो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली उस फ़ोटो पर जाता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए मैं इस फ़ोटो पर जाता हूँ। ये देखिए, ये फ़ोटो हमारे इस गोल सर्कल के बीच में आएगा, तो ये फ़ोटो इसी तरह दिखाई देगा। तो इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, ग्रीन करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए, पेंसिल के आइकन पर मैं क्लिक कर देता हूँ और फ़ोटो फ्रेम पर फ़ोटो फ्रेम पर क्लिक करने के बाद में आपको फ्रेम बहुत अच्छे फ्रेम क्लासिक फ्रेम मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे आपको फ्रेम लग जाएंगे। तो मैं इस तरह का एक फ्रेम लगा देता हूँ। ये देखिए, तो फ्रेंड ये बिल्कुल गोले वाला आइकन की तरह फ्रेम लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा फोटो लगा सकते हैं। और सिंपली आप तीर के आइकन पर क्लिक करने के बाद में आप सिंपली आपको ये व्हाट्सअप में ले जाएगा। यहाँ से देखिए प्रोसेसिंग करके, ये देखिए, ये प्रोसेसिंग होने के बाद में आपको सीधा ही व्हाट्सअप में ले जाएगा, जहाँ से आप अपने डीपी चेंज करते हो। ठीक है, ये आप वहाँ पे आ चुके हैं, हम व्हाट्सअप में ऑटोमेटिकली आ गया है। अब इसे यहाँ पर डन कर दीजिए। ठीक है, डन करने के बाद में आप देखिए मेरा फोटो चेंज हो गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दबाए बेल आइकन को। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ।